हरदोई के मल्लावान कस्बे में आज सुबह तड़के कानपुर से हरदोई जाने वाले मार्ग पर चुंगी नंबर 2 के पास सड़क के किनारे सो रहे एक ही परिवार के 8 लोगों के ऊपर बालू से भरा ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई, इनमें 4 बच्चे शामिल हैं। जिन स्थान पर ट्रक पलटा वहां पर झोपड़ी में रहने वाले सड़क के किनारे एक ही परिवार के लोग सो रहे थे। मौके पर शोर सुनकर लोगों ने पुलिस व एम्बुलेंस की सूचना दी, लेकिन जब तक ट्रक को हटाने के लिए क्रेन पहुंची 8 लोग दबकर दम तोड़ चुके थे। इसी परिवार की एक 3 साल की बच्ची बच गई है। उसके हाथ की हड्डी टूटने के कारण उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने जनपद हरदोई में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रात में एक ट्रक कानपुर की तरफ से सफेद बालू लाद कर हरदोई की ओर जा रहा था। यहाँ मल्लावा कस्बा है, यहाँ नियंत्रित होकर रात में करीब 1:30 बजे के आसपास पलटी है और सड़क के किनारे कुछ लोग सो रहे थे, जिसमें ट्रक पलटने के बाद 8 लोगों की डेथ हुई है और एक छोटी सी बच्ची घायल हुई है। अभी हम लोग घटनास्थल पे हैं, देख रहे हैं ये दुर्घटना कैसे हुई। जो डेड बॉडीज हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक का जो ड्राइवर है वो भी पकड़ा गया है और आगे की पूछताछ की जाएगी कि यह दुर्घटना कैसी हुई और कहां से कहां जा रहा था। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है वो यही है।